परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो गीता जी में वे ऑफ वर्शिप नहीं है वो शास्त्र विधि का कर्मनमान आचरण है, वो हमने नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। फिर भगवान को पाना बहुत आसान। गीता जी में कहा कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तो दंदेहम सयाति प्रमाम गति 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सो याति परमाम गति, वो मेरे यानी ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। कहां ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है 4वें अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके तू नहीं जानता। इससे दो क्या कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेंगे, परम शांति हो ही नहीं सकती जब तक जन्म मृत्यु है, शाश्वत स्थान इसको मिला नहीं। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला सतलोक को चला जाएगा वह परम शांति होगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता अर्जुन तो मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, और युद्ध करने वाले को शांति कहा। तो ओम से शांति नहीं हो सकती, ओम का जाप ब्रह्म का, ब्रह्म कह रहा है मेरी प्राप्ति के लिए ओम जाप कर, युद्ध भी कर, करना ही पड़ेगा, और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा के पास जा, यहां कोई शांति नहीं है। उसके लिए क्या बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सतीति निर्देश ब्रह्म ने तिरविद समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, यही निर्देश है, फाइनल फैसला है। और पुण्यात्मा ओम तो ब्रह्म का ये बिल्कुल ये तो स्पष्ट है, यही मंत्र है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, गुप्त है, कोडवर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि कोई इस दास से ये सुनकर फिर आगे आपे पर वो पाक जाएगा, गुरु बन जाता है, नाम देता है, वो अनधिकारी है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका, क्योंकि एक छोटा सा लाइसेंस आप बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो भी नकली कोई बना देगा तो वहां पकड़ा जाएगा जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसमें बहुत देर हो चुकी होगी और सजा के पात्र भी होंगे, दोनों होंगे, बनाने वाला भी बनवाने वाला भी। तो ये ओम तत्सत ये 3 मंत्र अभी आपको बताया था 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में, 3 पुरुष है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर कोई फिर तो जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं साधक, यहाँ की किसी वस्तु नहीं मांगते,
तो आठवें अध्याय के एक मंत्र में पूछा किम तत् ब्रह्म, आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो पंद्रहवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक चरम अविश्य विवृति अवैश्वर है। ये तीन पुरुष है, एक सर्वपुरुष, ओम तो सर्वपुरुष का नाम है, सर्वब्रह्म भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन काल भी कहता है ये, और अक्षर पुरुष इसका ये तत् मंत्र है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और ये ओम और तत् मिलकर दो अक्षर का नाम बनता है, ये सतनाम कहलाता है। राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सार्वचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे उसमें, सतनाम का उन्हें पता नहीं, खान का है कि पीन का, ये कोई सथान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी, तो वो कहां के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहां आंख मीचे बैठे हैं, उन अज्ञानियों के पीछे भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा है उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण, उसे कोई लाभ होना ही नहीं। तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा, यहां क्या बताते हैं के सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। आदरणीय देवदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है, और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान है उनके ऊपर कबीर देव, कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले, ये ही खरे उतरते हैं, तो यही हमारे भगवान है। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी, जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है, सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं, और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स, फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, और जब तक शंका समाप्त नहीं होगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान, आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे, किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया उसे छोड़ उसके पीछे, और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहां प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए, जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, दो अक्षर का सतनाम, एक ओम एक ये तत् गुप्त है, जिनको मिल चुका है वो मंत्र उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है, ये है दो अक्षर का मंत्र, और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कहका भी नहीं पता, ये कहां मोक्ष होगा, इसी कारण से शिवजाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक की में बोल रहे हैं वो, पुण्यात्माओं को झांक को लो, इतना विद्वान पुरुष आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी आपको, क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है हमने, केवल इस मनुष्य जीवन से ये डड़े नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था, और उसकी बहुत आसान तरीका, कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स, बकवास त्यागनी है। तो यहां क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में, अब आंखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं,
सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर से आए नीचे उतरे, इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16-20 में है, और भी अनेक स्थानों पर। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94-94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है वो इधर उधर है, और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। के चारों युगों में उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला, और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा, हीरे माणिक मोती बरसे ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण करते नहीं है बोले भक्त, और ये डड़े ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना आन साधना के, अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डड़े ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1-1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखे है ऐसा जुलम, वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है, एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी, कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने, वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए, बेड़ा पार कराने गए थे नागा, सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो, वैष्णो साधु आए, उन्होंने कहा अरे नागाओ पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की, नागा कहने लगे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते राख लपेटे फिरते हो, सरड़ फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने नागाओं ने,
और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया, वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार करण हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा करद चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत निजाना वादा तेग सलावे हैं। हर की पैड़ी कहें भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए, लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नाने के। और किसी को मना करता है तो इन्हों के हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है, बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, वो तो उसको पकड़ना चाहता था और उसको पता था उस भद्र पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे ये जग चुगता डेल रे। अब चारों वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से चलकर आता है गति करके, बिजली जैसी गति से, और जैसे विद्युत अपने आकर्षण वाली वस्तु पर गिरती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी उस श्रेष्ठ दृढ़ भक्तात्मा को ही आकर मिलता है, वही आकर वो उपस्थित होता है और फिर उसको ज्ञान सुनाता, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है, फिर वो प्यारी आत्मा आगे उनको परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करता है। उनमें से कौन कौन है? वो दृढ़ भक्त और अच्छी आत्मा है जिनको परमात्मा मिले इस कलयुग में, आदरणीय अमरुखदास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुरुखदास साहेब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से किसान थे, और आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, दो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये भी कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से ही थे और सिख धर्म के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, जिसके उपलक्ष में ये शुभ समागम हो रहा है, जिस दिन परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे वो सतपुरुष, और अपने उस दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे, सचखंड दिखा था और वापस छोड़े थे, ये वही समागम हो रहा है। आदरणीय गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको भी ऐसे ही मिले थे, और तीन दिन तक इस गीसा साहेब जी का भी ऐसे ही स्थिति रही थी, बेहोश पड़े रहे थे। गरीबदास साहेब जी को भी 8-7 घंटे तक ऐसे ही मृत मान लिया गया था, और ऐसे दादू साहेब जी भी 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। ऐसे ही नानक साहेब जी भी 3 दिन तक उनको अंतर ध्यान कर दिया गया था, उनके शरीर को कहीं रख दिया गया था परमात्मा द्वारा, और सचखंड दिखाकर, सतलोक दिखाकर अपने से परिचित करके बेई नदी से लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस महापुरुष ने अपनी नौकरी त्याग दी, परमात्मा का प्रचार किया, 12 वर्ष तक घूम घूम कर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का,
और फिर 16 वर्ष तक बैठ के अपने घर पे साधना की। परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि बहुत हो गया, अब अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, अब आने दो समय फिर देखेंगे। अभी सतनाम उनको दे दिया था आदरणीय नानक साहब जी को, लेकिन आगे ना देने की प्रतिज्ञा करा दी थी कि किसी को नहीं बताना। अभी निधन काल के दूतों नकली पंथों के हाथ में लग जाता है सतनाम दो अक्षर का। आदि ने कह खा भी को नहीं पता सतनाम है क्या, परमात्मा ने ऐसा गुप्त रखा और आपके लिए खजाना खोल दिया। अब एक सेंटेंस, एक पवित्र वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए कितना उदाहरण देने पड़े। कौन सी वाणी को? ओए होए, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपुणात्मा, आप तो बालक हो और काल के इस नकली सुख की भांग पिए पड़े हो। जिसका बालक बिगड़ जा, निकम्मा हो जा, शराब शुरू पी के किसी गिरा पड़ा हो तो पिता को माता को पता लग जाए, दौड़े जाया करे, उसने लाओगे उठा समझाबो जाके, नवावन दुआवेंगे, उसको कोई ऐसी औषधि देंगे जिससे उसकी शराब उतर जा, क्योंकि वो उसके हमदर्द हैं। तो हम सभी काल की भांग पिए पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सब एक प्रकार की बातें बोलते हैं, इन माया दिखाई देती और कुछ भी ना दिखता। इनको मालूम है कि वो व्यक्ति करोड़पति था, एक सेकंड में मृत्यु होगी। अब कहाँ गया वो करोड़पति, उसके साथ कहाँ गई वो माया। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी विद्रम के पड़े दंजीरम। परमात्मा कहते हैं, भक्ति ना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, रतन एक रति कंचन एक ग्राम गोल्ड भी नहीं प्राप्त कर सकया, सारी सोने की लंका बना रखी थी, जाते समय कुछ नहीं लेकर दास का। तो यहाँ हमने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल वही संग्रह करनी चाहिए, इसे ज्यादा हम करते हैं तो बकवाद कर रहे हैं। क्योंकि हमने सतलोक चलना है, सतलोक में वो सथाई सुविधाएं हैं, यह सथाई है ही नहीं। हम एक दूसरे को लूट खसोट करके कोठी बंगले बनाते हैं, मृत्यु हो जाती है तुरंत और गधे बने फिरते हैं। जैसे एक गवर्नर था हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, दो जगह का तारल था और रिटायरमेंट के निकट आ रहा था। उसने सोची बुढ़ापे का समय हिली स्टेशन पर गुजारा करूंगा, वहां पर एक प्लाट ले लेता हूं पहाड़ों पर। वो प्लाट लेने के लिए 3 करोड़ रुपए, पहले 100-100 के नोट थे, ये बड़े नोट नहीं थे 500 और 1000 के, उसमें 100-100 के नोट 3 करोड़ एक जीप में आम को नहीं, इतने हो जाते। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, उसने दाना देन गया था, प्लाट खरीदन गया था और साथ में परिवार साथ में आप बैठा जा था। वो इतने लोड में हेलीकॉप्टर क्रश हो गया, वो स्वयं भी मरिया, परिवार मर गया, एक लड़का शेष रहा था, बाकी सब मर गए उस हेलीकॉप्टर में। और उन नोटा नो गडरिए ठाए फिरे, गधे खाव भेड़ खाव कागजान, और वो मर गया वहां पर। और फिर समाचार पत्रों में आया था कि 40 करोड़ रुपया उस टाइम, 40 करोड़ 100-100 के नोट 40 करोड़ एक बहुत बड़े हाल में नहीं आवे। और उसने बताओ अपने नीचे तय खाना बनवा रखा था, बेड थे गणे, जो ये बोल रहे हैं इनको, इनके अंदर डाल रखे कपड़े दरा करते हैं उसमें, उनमें ठोक रखे थे। बता वो बनेगा किसी गद्दा, किसी कुत्ता सुअर बैल बनकर पूरे करेगा जो लूट रखे थे, और वो जोड़ा दाड़ा यही रह गया। तो ये ज्ञान हमने सत्संग से समझना पड़ेगा। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो आपने ये मर्यादा इस नियम से रहना पड़ेगा। और आपको आवश्यकता कुछ वस्तु की होगी तो भगवान आपको अनायास ही देगा, आप देगा, आप इस मर्यादा से रहें। तो अब क्या बताते हैं कि आप जी ने
इधर ध्यान कभी दिया नहीं, क्योंकि इधर ध्यान तो जब दे जब हमें कोई बताने वाला हो, हमें तो ये गुण गाएंगे, बदले रे भगवान, भगवान किसा भगवान निराकार, चलो भाई निराकार होगा। अब भगवान से हम मिलना चाहते हैं, हर भगवान निराकार बताते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अब जैसे किसी बेटी का विवाह करते हैं माता पिता, और उसकी माता बताती है बेटी जिस लड़के से हम तेरा रिश्ता करके आए हैं वो ऐसा है ऐसा है, उसके पास ऐसी संपत्ति है, उनका ऐसा मकान है, तो रुचि बनती है बालक की। और कोई नो कह दे बेटी तेरा विवाह कर दिया और पति पति तेरा है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो वह बता के गड्ढेगी वहां पर, वह क्या करेगी उस निराकार पति का। तो अब हम परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है, और ये राधा स्वामी पंथाले धन धन सतगुरु पंथ सिरसा वाले डेरे वाले सत्ता सौदे वाले और जय गुरुदेव वाले और ये दनोद वाले दिहाणी वाले, ये राधा स्वामी पंथ समझो सारा ही। और इनका विधान है कि सतलोक में भगवान नहीं, सतपुरुष नहीं है, वह तो चेतन ही चेतन है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जाके जैसे बूंद समंदर में, वो तो डूब कर मरना हो गया, फिर कोई बात हुई है। तो ये विधान है, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इन अज्ञानियों ने, शास्त्र विरुद्ध साधना करा के काल के जाल में फंसा दिए। अब कहें तो दुख मानते हैं श्रद्धालु भी के रामपाल तो आलोचना करता है, आलोचना की परिभाषा बदल ली तुमने ज्ञान के कारण, सत कहना आलोचना नहीं होती, वह सत्य होती है, आलोचना होती है किसी के बारे में झूठी बकवाद करे। हम तो विद प्रमाण बोलते हैं, आप ही के पुस्तकों से दिखाते हैं, ये देखो दुर्गति हो रही तुम्हारे परम धनी शिव जाल की, भूत बनकर अपनी शिष्य बुक्की में फिर शंका समाधान करने लग रहा बैठ के, वो कहते हो तो अनामी लोक में चला गया, अनामी लोक में कहां गया, तो बुक्की लोक में आ गया। अब यहां क्या बताते हैं, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कह रहे हैं कि एक दास बनकर, दास बनकर आए भगवान, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, उतरे सतलोक से चल के आए, और किस उद्देश्य से, जीव उदाहरण जगत गुरु, और कहते हैं बार बार बलि जाऊं मैं, गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं इस परमात्मा के ऊपर जो किसे दयालु हैं, कैसे दयालु हैं, सतलोक से इतने सुंदर लोक को छोड़कर हमारे लिए यहाँ तेज गंदे लोक में जहां पर आहार भी उपलब्ध नहीं ढंग का, और दास बनकाए कबीर दास, कबीर दास सांस गैर जितनी वाणी बोली, कबीर दास दास कबीर परमात्मा। जब क्यों उन्होंने दास कहा कि हमने भी यदि सतलोक पाना है तो ऐसे ही अपनी क्रियाएं बनानी पड़ेंगी। यहां पर कोई भी जिसने अपने आप को स्वामी माना है वो पेटे हैं अंत में, किसी राजा को देख लो, इन हिरण्यकशिपु को देख लो और रावण को देख लो, भक्ति करें और साथ बकवाद नहीं चलेगी। अब रावण जैसी साधना कोई नहीं कर सकता, यहां से धड़ काट कचड़ा आदि भगवान के निमित्त समर्पित कर दिया, लेकिन कुठोड़ कुपात्र के स्थान कुपात्र को दे दिया, वो सी सुपात्र को देता तो लाभ होता। शिव की उपासना तमोगुण की करके राक्षस कहलाया, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, तीनों गुणों की उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इस प्रकार ये भक्ति भी करते थे, दास नहीं बने, तो अंत में क्या हुआ इनके साथ। तो यहां क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे और इस पृथ्वी के मां, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलिदान, अपने प्यारी आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, जगत गुरु यानी सबका गुरु, सबको तत्व ज्ञान देने वाला केवल एकमात्र कबीर जी हैं और वही परमात्मा है। अब फिर बताते हैं वो कहां आए, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधार, अधार यानी ऊपर तो नीचे आए,
मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। मोमिन यानी उस नीरू नामक मुसलमान दुल्हे को परमात्मा ने जंगल में दर्शन दिए लहर तारा तालाब पर। अब उस परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, कोट कर्ण शशिभान सुद आसन अदर विमान परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। अब परमात्मा का कहते हैं ऊपर आसन अधर विमान सतलोक में तो उस परमात्मा का ऐसा शरीर है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसी शोभा है। कोट किरण शशि भाने सुद, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य। कोट किरण शशि भाने सुद वो आसन अधर विमाने, और वही परमात्मा फिर कहते हैं बालक रूप में परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं माई का नीरू ने जब परमात्मा को सीने से लगाया, कहते उसके प्राण आत्मा में एकदम शांति छागी, जैसे जले हुए पर बर्फ रख दी जाती है एकदम शांत कर देता है। फिर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। उस माई ने शिशु रूप धारी बालक को कहते मुंह चूमा गोद में लिया, और परमात्मा का कैसा रूप था, हेम रूप झलकंत हिम हिम माने बर्फ। और परमात्मा कबीर जी बालक रूप में कैसा सुंदर शरीर था, कहते बर्फ जैसा सफेद शरीर, जैसे कोई कपड़ा लेने जाते थे ना दुकान पर तो यूं कहा करते भाई स्नो व्हाइट कलर देना, स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गोद लिया मुख चूम के और हेम रूप जलकंत हिम की तरह झलक रहे थे परमात्मा, और जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर मालिक का जगमग जगमग काया करे जैसे नरे पदम चमक रहे हो, इतना सुंदर नूर था दाता का। फिर ये सारा रूप दिखा कर फिर बालक के रूप में हो गए। अब नीरू स्नान करके बाहर आया और नीमा उस बालक के प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी, वो सब शुद्ध बिसरा बैठी थी, बार बार कभी ऊपर को देख रही थी कभी बालक के मुख को देख कर सुसो सुकर बना रही थी, गद गद हो रही थी और झूम रही थी। अब उसने देखा कि नीरू ने अपना आइडिया लगाया कि पहले हम हिंदू थे, हमें बाई फोर्स मुसलमान बना दिया, अब हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में ऐसी अभी कोई हमारी पकड़ नहीं, अब हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, लोग कहेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक विराजमान हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, और कहेंगे पूछेंगे इनका माता पिता कौन है, उसको वापस देकर आओ, हमें पीटेंगे छेतेंगे हमें घर से बाहर निकाल देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे अनाथालय में दे देंगे। गुणात्माओं परमात्मा के मार्ग में यदि आपने कदम रखना है तो इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए, जैसे क्योंकि बगैर ज्ञान के व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकता, भगवान ने पृथ्वी रोक रखी बगैर किसी स्तंभ के बगैर किसी सपोर्ट के, और ये घूम रही है खुद भी और वैसे भी घूम रही है ऐसे, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। फिर भी आपको एक उदाहरण बताते हैं, इस दास को क्रोथा कांड के झूठे केस में जेल में कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। वहां पर एक कर्मचारी था यानी वार्डन था उस जिस वार्ड में मुझे रखा हुआ था, तो आते थे पत्रता करते थे पूछते थे महाराज कारण क्या हुआ, सब उनको सच्चाई बताते थे, वो भी परिचित हुए सच्चाई से एक सचमुच आपके साथ, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है हम भी अब बहुत महसूस कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान चर्चा होती थी तो हमने कहा कबीर इज गॉड, ऐसे ऐसे वो अवतरित हुए कमल के फूल पर आए, तो उससे पहले वही वार्डन वो पुलिस वाला कह रहा था, दो दिन पहले चर्चा चल रही थी,
कहने लगे जी हमारा एक मित्र है पुलिस वाला, उसके घर पे एक बथुआ है, बथुआ, बथुए का पौधा आपने देखा होगा, 1.5-2 फुट का होता मैक्सिमम, हमने तो इससे बड़ा देखा नहीं था। वो बता रहा कि बथुए का पौधा 10 फुट ऊंचा है, 10-11 फुट, और नीचे से उसका पेड़ जो है तना लगभग 3-4 इंच मोटा है, और वो सदाबहार है, यानी पूरे वर्ष वो हरा भरा रहता है, उसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब हमने तो अविश्वास हुआ नहीं, भी होगा, हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर एक दिन ये चर्चा चली जब इस दास के साथ के भाई परमात्मा कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, तो यहां आकर वो अड़ गया। बोला जी यह बात नहीं समझ में आती आपकी, और सारी मान लेंगे, लेकिन कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता, वो तो बिल्कुल पत्ते से होते। मेरे फिर वह बात याद आएगी। मैं कहने लगा भगत एक बात बताओ, आप परसों बता रहे थे कि आपके एक मित्र के घर पर एक बथुआ है और वो 3-4 इंच मोटा उसका तना है और 10 फुट ऊंचा लंबा है, ये संभव हो सकती है? कभी देखा तने? हमने 2 फुट से ऊपर कभी बथुआ देखा नहीं, हम किसान परिवार में जन्म हमारा, और आप ये कह रहे हो कि ऐसा था। हम वो भी मान रहे हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी बुद्धि सेट होगी तुरंत। जब एक 10 फुट का बथुआ हो सकता है तो क्या कमल का फूल इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जिस पर बालक लौट जा? तुरंत मान गया ने बोला जी हो सकता है, 100 बार हो सकता है। नो भी चल रहे थे हम, आप पे कह रहा है ऐसा बथुआ देखा, जब मैं नो को नहीं मान सकता, मैं वो तो बथुआ इससे ऊपर होता ही नहीं, तो वो मान गया। तो पुणात्मा ऐसे हमने सद्यातम मार्ग को समझना है, इसमें इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। एक उदाहरण बताते हैं, कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं? हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़कर जंगल में पहाड़ पर जाकर बैठ गया और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतर कर आता था, एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था, और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था, इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह, हे भगवान मैं मुंह धोऊंगा कैसे, मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा, ऐसे तरफ कर रहा था। अब कहते हैं दारी मेरे संत की मोह से मिटे नी अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया, इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200-400 फुट ऊंचा। और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था, इतना निकट कर दिया वो जल कि उसने ऐसे देखा, अरे जल यहां आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी, और उसने फिर मुंह धोकर पानी पिया। फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी। फिर उसको आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे, तब रोन लग गया, हे भगवान मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, सारी जनता मर गई मालिक। कहते उसी एक्शन एज इट इज कर दिया, जो कह तू एज इट इज, जैसे जो जहां काम कर रहा था एज इट इज, कलम पकड़ थी तो कलम में पकड़ा बैठा वहां पर। तो यहां के बारे में कहते हैं, मौला थल से जल करे और जल से थल कर दे, तो साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्सवेत। परमात्मा एक सेकंड के कुछ क्षण में भी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल विनाश कर सकता है, और दूसरे क्षण में जो का तू आपको जैसे यहां बैठे हो ऐसा ही बैठा, जरा आपका याद भी ना हो मेरे गल बनी थी क्या, इतना सामर्थ्य परमात्मा में है। और हम इन अनाड़ियों के कारण, अज्ञानता के कारण,
शास्त्र विल साधना करने के कारण परमेश्वरीय लाभ से वंचित रहने से हम ये सोच बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर मगर जो है ये हमारे भक्ति मार्ग को समझने में बहुत बड़ी बाधा है। परमात्मा के मार्ग में कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक कथा सुनाता हूं। इस दास को जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब ऐसे ही कोई जैसा भी कोई ज्ञान देता उसको उसका सच्चाई लगता था। हमें हमारे घर पे हमारे किराए के ऊपर एक आर्य समाज का एक व्यक्ति रहता था। वो टीचर था, वो शास्त्री बताता था अपने आप को और बहुत अच्छी नेक आत्मा था। बोलन बतलान का स्वभाव ठीक था उसका। तो फिर मुझे उपदेश प्राप्त हो गया। पहले जब हम चर्चा करते थे उससे तो कुछ भी कह देता था, उसकी बात को मानते थे। वो महर्षि दयानंद का पुजारी था। जब दास को ये ज्ञान हुआ सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ तो 1989 में एक वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई। इस दास ने कुछ पुस्तक छपवाई 2000 या जैसा भी, और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। अब वो जब ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15x5.5 का गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था, उसमें खिड़कियां लगाई थी। एक शीशा टूटा हुआ था, उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। अब 2 फुट 8 इंच मैंने ऐसे 2 और फिर 8 इंच के ऊपर 2 डैश लाके अपनी इस इंजीनियरिंग भाषा में लिख रखी थी। वो तो आम आदमी भी ऐसे लिखता है। तो वो जाकर के मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाड़ी तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ, स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा टू व्हीलर मोटरसाइकिल टाइप। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी, उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भाई तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। तो वो दोनों लगाने लगे, वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से उसने 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने भी उसने दोनों ने कह दी ये जाली तो छोटी है। वो भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूं नाप, मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कर दे दूसरी तरफ चला दी, वो नो तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठाकर वह स्टोर में फेंक दी, उनकी मां ने जाली। अब फिर ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में तकत के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से एक चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो दो थी उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहां जी वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के,
इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी मां से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और जो मां निराता खेलन चला गया, अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लाजीरी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी, अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है, वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि अभी साची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख कर और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाए जाली, अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है, हरी ने पूछ लो अभी लगाई हमने। फिर मैंने को याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे साल भर पहले, 8-9 महीने पहले, कहा ये छोटी थी बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया, अरे ये कैसे पूरी होगी हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा, एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। अपुण आत्माओं वो दिन है राज, ये दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाड़ी बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई, पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नो लटक रही है। अभी तक थी वो, अब तो पता नहीं उतार दी होगी। ये सन 1989-90 की बात है। अपुणात्माओं उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब उसके बाद उस आर्य समाज के उस दानंद के चेले तो बात हुई, शास्त्री था वो। मैंने ये सोचा कि देख कितना अच्छी आत्मा का आदमी हर कित फंस रहा है। उससे जब चर्चा होती थी पहले कि द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया, हम तो भगवान कृष्ण ने माना थे, श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया, तो वो कहा करता कि ये सब बकवाद है, ये कभी हो सकता है, अब बढ़ा के दिखाओ कोई मुझे। वो तो वैसे श्री कृष्ण तगड़े थे, सूरवीर थे, जाकर धमका दिया होगा, खबरदार छोड़ दे उस लड़की ने, तीर बढ़ा करें कदे, तो हम ये भी मान लेते मतलब ऐसा हो गया होगा पहले। और जिस दिन से ये मालिक ने यह दया बख्शी हम कैसे माने उस मूर्ख की इस बात को। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको समझाऊं, अच्छी आत्मा का शायद ये बात मान ले, क्योंकि पहले वो हर तरह एक बिल्कुल अच्छा आदमी लग गया था, बोलन में, बतलान में, विनम्र भाव में, और अच्छी सुलझी हुई बात किया करता था। मैंने सोचा कि इसका कल्याण हो जाए, बता दूं। मैंने उसको प्रार्थना की, अपने वहां बुलाया, अलग बैठक थी, और उसे चर्चा की, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया था भगवान ने। बोला नहीं, ये कैसी बातें करते हो आप, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी देखो वो तो चलो पुरानी बात होली, हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरे सामने हो गया, ये मेरी लोहे की जाली बढ़ गई और 8 और 6 14 इंच बढ़ गई है लोहे की जाली। ने बोला मैं नहीं मानता। मैंने उनकी बच्चों की माँ बुला ली, वो दोनों बच्चे बुला लिए कि बताओ भाई कैसे हुआ। उन्होंने सारी बता दी, सच्चाई ऐसे हुआ। ने बोला मैं नहीं मानता, अब करके दिखाओ। अब बताओ भाई कौन समझाओ सनाइडी ने। मैं चुप हो गया भाई, तो मैं और लाल आंख होगी कुत्ती, कहते इतना शरीफ दिखा था और कुत्ती बहुत ज्यादा यानी क्रोधित सा हो गया। हमने सोचा भाई क्यों लड़ पड़ेगा,
चुप हो गया मैं नहीं बोला फिर, मैं इस बुद्ध ने भी क्या बताऊं। आम चार पांच जने गवाही दे रहे हैं और ये एक उस अज्ञानी महर्षि की बात पड़ा बैठे हैं। उसने ये देखा कि भाई ये कुछ महसूस कर गया, बोला नहीं, मैं बोला नहीं, फिर क्या बोलूं प्रसूत है, मैं चुप हो गया। उसने सोचा भाई, जैसा भी उसके मन में आया, फिर वो बोला देखो आप इंजीनियर हो, एजुकेटेड हो, कोई मूर्खों को तो मैं काफी जैसी बातें कर दे, आप कैसी बातें कर रहे हो। देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। एक बार महर्षि दानंद योग अभ्यास कर रहा था बंद कमरे में आसन पदम लगा के, और वो जमीन से ऐसे उठता था और छत के सिर लगा के वापस आ जाता था। ऐसे कर रहा था, रसोईया गया भोजन के लिए प्रार्थना करने, उसने झांकी से देखा, खिड़की से देखा, महर्षि दानंद ऐसे जा रहा था, ऊपर छत के सिर लगा के वापस आ रहा था। उसने औरों को बुलाकर दिखाया, देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके देखा। मैं बोला अब करके दिखा, ओड्डे के मुंह हो गया, नहीं होगा तू गणा श्याणा बना दिया कबीर पंथिया ने, वो पहले वाला रामपाल ना रहा, मैं पहले वाला ना रहा मैं, तारे मूर्खा ही सारी बात मान्या करता, मेरी आंखें के साथ भी तेरी तू अभी उसी घेसी पेटी बातों को बोल रहा है। तो पुणात्मा परमात्मा के मार्ग में अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक दो साधक थे, एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बुढ़ी बुढ़ी दाढ़ी बढ़ा रखी बैठक होती, परमात्मा प्राप्त दिखाई दे था। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था घंटों भगवान की बातें चर्चा करके, दोनों से वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में एक पूर्व में गांव के नगर के, दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके दो भगत बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा ध्यान दृष्टि से, कहा कि नहीं, उनमें से एक भगत है, एक भगत नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ आपका पक्का भगत है। कहने लगे वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। अब ठीक है, वो सबसे पहले गया तो उससे के पास जिसने सही भगत माना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई, उसमें से हाथी निकालना था, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उसे 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा फिर क्या हुआ कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में के निकाल दिया।
वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसे अगर दस जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल रखी है, दिखे सा भगत, तेरी पर विश्वास नहीं भगवान का? वो तो उठकर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, जो तो नरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है, जब इसमें नया विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भगत का? अब उठ के गया उस चार वर्ष वाले के पास, उसने तो वहां तो सोचा था कि वो तोड़ के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने यू जिक्र कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आप की इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है, आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ, क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के एक बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी, और भाई कमाल कर दिया भगवान ने, तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, वे अचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये के अचरज है देवदूत, भगवान निकाल दे पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में, गए भगवान क्या नहीं कर सकता? तब उसने देवदूत ने उस चार वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा धन है तेरे मात पिताजी से जन्म हुआ, तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू एक नंबर का भगत है, जिस पर विश्वास नहीं भगवान का, और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने से मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का, परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, बोलो सतगुरु देव।